नाम है अभिनव और आप लोग देख रहे हैं अभिनव एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक कूलर बनाया है जो कि गर्मियों के लिए अच्छा होगा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा कूलर बनाते हैं थर्माकोल का यूज करके, और इसमें मैंने पानी का भी सिस्टम डाला है जिससे कि घास जब भीगेगी तो इसमें जो है हवा ठंडी ठंडी आएगी। तो इसमें जो है आज मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इसमें जो मैंने सीपीयू फैन लगाया हुआ है ये 12 वोल्ट का है और जो इसके अंदर मोटर है वो 5 वोल्ट की है। तो अभी हम लोग इसमें टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हो ये केबल है जिससे मैं ये चार्ज कंट्रोलर में लगाऊंगा। तो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसका बैकअप बहुत ज़्यादा रहेगा, पूरे दिन चल सकती है। तो अभी हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर वाटर डालेंगे क्योंकि बिना वाटर के ये नहीं ठंडाएगा। तो ये लगभग 1 लीटर की बोतल है तो इसको हम लोग इसके अंदर वाटर डाल दें। और लगभग ये 500 ml जो है वाटर ले लिया है और अब हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इसको लगाता हूँ चार्ज कंट्रोलर से। मोटर का वायर है तो ये 5 वोल्ट से चलती, तो मैं इसको केबल से लगाता हूँ तो फिर इसको चला सकते हैं। अब मैं जो है इसके साथ जो है ये सीपीयू फैन का लगाता हूँ। ये देख सकते हो ये चलने लगा है और ये जो है बहुत ठंडी हवा दे रहा है और ये वाटर पंप भी चल रहा है। तो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कैसे चलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये इसके अंदर का व्यू है। मैंने इसके अंदर जो है पॉलीथिन लगाई है जिससे कि पानी नीचे ना जाए। और ये देख सकते हो ये जो है ग्रास है जो मतलब कि भीग रही है और जैसे ये ठंडा रहा है अंदर काफ़ी। मैंने इसके अंदर ठंडा पानी डाला और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो फिर ये देख सकते हो लगभग ये पूरे दिन पानी चल सकता है इतना पानी, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा नहीं पानी की ज़रूरत होती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम लोग इससे भी इसमें भी थोड़ा कस्टमाइजेशन करेंगे। फिर आप लोग अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।